टुडे टॉपिक इज द इवोल्यूशन ऑफ वुमन, वुमन इवोल्यूशन, हम कैसे बने हैं ना, ये हमारा इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ है ना, उसका जूलॉजिकल टाइम पीरियड क्या था, इन सब की अपन बात करेंगे। देखिए जो मैंने ब्रीफ ऑफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन आपको करवाया था, देन वी से टू दे 50 मिलियन ईयर अगो टू डिसअपीयर द डायनासोर्स, डायनासोर्स का जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया था। डायनासोर इज ए रेप्टाइल्स, देन टू द रेप्टाइल्स एवीज एंड मेमल्स, और इसनेट टू द एवीज एंड द मेमल्स, ये बात हमारी हुई थी। जो मेमल्स है वो उसके अंदर डोमिनेटेड वो ना वुमन, इन द मेमल्स कैटेगरी टू डोमिनेट द वुमन, सो वी कैन से 15 मिलियन ईयर अगो टू द एप लाइक फॉर्म, टू द मंकी लाइक फॉर्म, लाइक एज द गोरिला, लाइक एज द चिंपेजी फॉर्म आर अकर ऑन दैट सरफेस, चिंपेजी गोरिला एप लाइक जीनस स्ट्रक्चर आर अकर ऑन द अर्थ सरफेस 15 मिलियन ईयर अगो, दिस फॉर्म इज प्राइमेट्स। हम क्या कहेंगे, 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट्स की फॉर्म मिली थी। कल वाली क्लास में मैंने तुम लोगों को प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में कुछ डिफरेंस बताए थे, तो आज अपन क्या बात करें कि 15 मिलियन ईयर अगो टू अकर द प्राइमेट्स फॉर्म। अब प्राइमेट्स में तुम्हें पता है तीन ही एग्जांपल अपन लेते हैं, एक लेते हैं मंकी लेते हैं और वुमन लेते हैं, तो 15 मिलियन ईयर अगो टू अकर द एप लाइक फॉर्म, लाइक एज द गोरिला, लाइक एज द चिंपेंजी फॉर्म, बाय द लोकोमोशन, बाय द फोर लिंब हैंड और लेग, चारों जो पैर है उनसे चलता है, पूरी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो प्राइमेट इज नोन एज द ड्रायोपिथीकस, ड्रायोपिथीकस, क्या नाम है उस फॉर्म का, ड्रायोपिथीकस। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में अर्थ की सरफेस पे 15 मिलियन एक एस्टिमेट है, तुम्हें भी पता है इस बात का और मुझे भी पता है, उसमें हम तो थे नहीं, तो वही बात इनके फॉसिल्स मिले भाई, और फॉसिल्स की हेल्प से ही एस्टिमेट निकाला जाता है कि लगभग इतनी साल पहले एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलता था जो चारों पैरों से चलता था, है ना, बॉडी से चारों पैरों से चलता था, और साथ में उसकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट थे, हेयर प्रेजेंट थे, है ना, उसकी जो ये वाले जो वाले से थोड़े से आगे निकले हुए थे जो वाले से, ये सब फॉर्म है, तो उसका क्या नाम था, ड्रायोपिथीकस। जो ड्रायोपिथीकस था वो कैसा था, एप लाइक फॉर्म थी, मतलब तुम लोग कह सकते हो कि जो ड्रायोपिथीकस है, जो ड्रायोपिथीकस वाली जो फॉर्म होगी ना वो कैसी है, ड्रायोपिथीकस एक मंकी के जैसी, कैसी है, मंकी के जैसी फॉर्म है। ड्रायोपिथीकस कैसी फॉर्म होती है, मंकी के जैसी फॉर्म होती है। फिर देखो जो ड्रायोपिथीकस जो होंगे, और ये चाहिए मिले कहाँ पे, 15 मिलियन ईयर अगो ये मिले कहाँ थे, ईस्ट अफ्रीका, है ना, ये जो ड्रायोपिथीकस थे ये कहाँ मिले थे, ईस्ट अफ्रीका के अंदर मिले थे। इतनी बात हो गई, जो ड्रायोपिथीकस है एक के जैसे थे, उसके बाद में रामापिथीकस मिले, पिथीकस मिले, ठीक है ना, उसके बाद में क्या मिले, एक मिनट, है ना, उसके बाद में क्या मिले, रामापिथीकस, क्या मिले थे, रामापिथीकस, उसके बाद में क्या मिले, रामापिथीकस मिले। जो रामापिथीकस थे वो कैसे थे, सुनो, रामापिथीकस जो थे वो ऐसे पेड़ों पे रहते थे, उनकी बॉडी पे हेयर ड्रायोपिथीकस के कंपैरिजन में कम थे, अबोर मतलब ट्री, वोकॉन ट्री, वोकॉन ट्री, है ना, वॉक विथ फोर लेग्स, हेयर कम थे, लेस ऑफ हेयर,
कंपैरिजन समझ में आ रहा है? ये चारों पैरों से चलते थे बट इसकी बॉडी पे हेयर ज्यादा थे। ये चारों पैरों से चलते थे, रामा पिथिकस थी, लेकिन बॉडी पर हेयर क्या थे, कम थे। और ये किसके जैसे दिखते थे? ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक। तो जब बात समझ में आ रही है क्या? बात सुनो, ड्रायोपिथिकस एक के जैसे है, रामा पिथिकस ह्यूमन के जैसे है। ड्रायोपिथिकस आगे जाकर के मंकी वाली कैटेगरी कहलाएंगे, चिंपांजी गोरिला वाली कैटेगरी में जाएंगे, और रामा पिथिकस किसके लिए? ह्यूमन के लिए। तो हमारा एंसेस्टर कौन हुआ फिर? रामा पिथिकस। देखो अभी तक तुम लोगों ने किसी बुक में सुना होगा कि हमारे एंसेस्टर चिंपांजी है, नहीं, हमारे एंसेस्टर चिंपांजी नहीं है, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के कजन है। तो समझ में आ गया तुम्हें, ड्रायोपिथिकस रामा पिथिकस बने। जो ड्रायोपिथिकस थे वो एक यानी चिंपेजी वाले एंसेस्टर हो गए, और रामा पिथिकस किसका हो गया? ह्यूमन लाइक। तो ह्यूमन का एंसेस्टर कौन हो गया? रामा पिथिकस हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो जो रामा पिथिकस है, एक मिनट, वो आगे जाकर इवोल्यूट और होंगे। जैसे जैसे उनका हैबिटेट होगा उसके अंदर वो खुद को क्या करते जाएंगे? इवोल्यूट करते जाएंगे। तो अपन ये कहेंगे कि जो रामा, ये हटा दो एक बार, तुम लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं हटा दूँ एक बार, ठीक है? आगे मेरी जगह ज्यादा चाहिए, हटा दूंगी सब चीजों को। अब देखो ये जो रामा पिथिकस वाली कहानी है, ये आगे जाकर के 3 to 4 billion years अगो, है ना? कब? 3 to 4 billion years अगो हो गया। चलो मैं हटाऊ रामा पिथिकस या लिखू, इसी को इवोलेट करवा देती हूँ मैं रामा पिथिकस को ही। जो रामा पिथिकस है उस 3 to 4 million years अगो टू प्रेजेंट अनादर कैटेगरी टू द वुमन लाइक इज नोन एज द ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस कौन सी कैटेगरी आई? ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस लाइक द वुमन लाइक फॉर्म ही थी वो अपने आप में, है ना? क्योंकि देखो रामा पिथिकस ऐसे ऐसे चारों पैरों से चलते थे। अब ये वाली जो फॉर्म वो थोड़ी सी स्ट्रेट हो गई, और कितने पैरों से चलने लगे? दो पैरों से चलने लगे। तो बाई पेडल लोकोमोशन होता है। तो ह्यूमन की जैसे सीधे खड़े हो गए ना, पहले तो से झुके हुए थे, फिर धीरे 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 से पूरी बॉडी खड़ी हो गई। तो बाई पेडल थी। अब इनको फायदा क्या था? ये ऐसे सीधे घास, बड़े बड़े घास थे, ऐसे सीधे खड़े हो जाते, चारों तरफ के एटमोसफेयर में उन्हें जो भी दिख रहा उसको आसानी से देख पाते थे। फायदा था ना, कुछ नुकसान भी था, क्योंकि अभी ये स्ट्रेट हुए थे तो इसकी बैक जो थी उसमें पैन हो रहा था, बट चलो हैबिट हो जाएगी इनको धीरे धीरे। तो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस 3 to 4 billion years अगो पहले आए, ह्यूमन लाइक थे, और कहाँ थे? ईस्ट अफ्रीका के इथानिया और टाइजेनिया एरिया के अंदर। ह्यूमन इवोल्यूटेड में क्या कर दूँ? ह्यूमन इवोल्यूटेड में कर दूँ इथोपिया, ये बुक में नाम दे रखे इसीलिए, इथोपिया और टाइजेनिया वाले ने ह्यूमन इवोल्यूटेड शुरू हो गया, मतलब ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आ गए थे, इसीलिए अपन क्या बोलते थे? बाइपेडल थे ना, वो दो पैरों पे चलते थे, और हम भी दो पैरों पे चलते, तो अपन ये बात साइड में लिख लेते। सेकंड बात इनकी माइंड धीरे धीरे साल बोलने लगा, चीज़ों को समझने लगे थे, खाने का तरीका आ गया था, है ना? और फिर अपन इसको क्या बोलेंगे? और देखो हाँ, वो अपराइट सीधे चलते थे, वो अपराइट। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस क्या थे? वो अपराइट थे, सीधे चलने वाले थे, और कहा गया ह्यूमनॉइड फीचर्स, ह्यूमन के जैसे इसमें क्या थे? फीचर्स थे। तो तुम्हें क्या क्या बातें याद रखनी है? बाई पैडल थे, वॉक अपराइट थे, ह्यूमनॉइड फीचर्स थे, याद रखो। तो क्रेनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 500 cc। क्रेनियल कैपेसिटी
हालांकि एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रही, तुम्हें नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये बातें तो तुम्हें याद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के 2-4 मिलियन ईयर वो बाइपेडल है, वो कप्राइटर होमोइड फीचर्स है, और इथोपिया टाइजेनिया में इनका धीरे धीरे क्या होने लगा था, ओरिजन होने लगा था। अब देखो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, इसकी अलग अलग स्पीसीज बनी थी, अलग अलग क्या बनी इसकी स्पीसीज बनी किसकी, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की एक स्पीसीज बनी ऑस्ट्रेलियोपिथेकेंस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकेंस अफ्रीकन्स, अफ्रीका में है ना, आगे क्या लगा दिया अफ्रीकन। देखो ये तो है जीनस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस तो क्या है जीनस, इस जीनस के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियोपिथेकस इज नोन एज द ऑस्ट्रेलियोपिथेकेंस। तो कंफ्यूज मत होना ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या है। अब तुम देखो, तुम लोग ऐसे मान के चलो हम लोग जैसे पिजन है, तो पिजन के अलग अलग स्पीसीज देखते हैं ना, पर देखते हो ना वैरायटीज अलग अलग देखते हो, बियर भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग बियर भी देखते हो तुम लोग। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के ये मेंबर्स है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है इसकी स्पीसीज मान के चलो। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या है, तुम्हारे और इसमें ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नहीं दे रहा, बट क्या दे रहा है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस दे रहा है, और क्या लिखा है 2 मिलियन ईयर अगो, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है 2 मिलियन ईयर अगो। क्या क्या है ऑस्ट्रेलियो जो पिथिकन्स है ना, ये कैसे है, वही बात है बाइपेडल है, ऋतु बाइपेडल है, दो पैरों से चलते हैं, और हेयर कम है बॉडी पे, और वॉक अपराइट सीधे चलते हैं, सीधे चलते हैं। दूसरी बात ये अपने पास में ना जो स्टोन होते हैं, स्टोन पत्थर वगैरह, उनको टूल्स की फॉर्म में यूज लेते हैं, स्टोन यूज फॉर टूल्स, ठीक है। आगे देखो उसकी बात, बट ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाते थे, बिकॉज ये फ्रूट खाते थे, टू ईट फ्रूट। ये तुम्हारी वाली बुक्स में बातें दे रखी है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से रिलेटेड, बाइपेडल थे, अपराइट थे, है ना, टूल्स यूज में लेते थे, हो सकता है खुद के प्रोटेक्शन करने के लिए काम में लेते हो, वैसे ये कोई किसी जानवर को मारते नहीं थे, केवल क्या खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, मतलब ये क्या थे, हर्बीवोर्स थे। लिटू क्या थे, ये हर्बीवोर्स न्यूट्रिशन ले रहे थे। अब जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकन्स था ना, इसका एक ग्रुप था लुशी लुशी लुशी, इसका एक मेंबर क्या था लुशी, है ना, और इसका एक मेंबर था ट्वांग, इसका एक मेंबर क्या था ट्वांग, TUANG ट्वांग बेबी, वाकई में बेबी था इसका, स्कल मिला था छोटा सा ना, इसका छोटा सा स्कल मिला था। तो पहले तो इसे क्या कहा गया कि नहीं नहीं ये किसके जैसा है, बंदर के जैसे, कोई बंदर है, बट जो का पैटर्न, पिथ का पैटर्न है ना, इसका पैटर्न देखा गया, तभी कहा कि नहीं नहीं इसके पिक्चर किससे मिल रहे, वुमन से मिल रहे, तो ट्वांग नामक जगह पे मिला था ये, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया ट्वांग बेबी, क्या नाम दे दिया इसे ट्वांग बेबी। या तुम लोग ऑस्ट्रेलियन जो पिथिकल्स है इसको प्रिमिटिव वुमन बोल सकते हो, ऑस्ट्रेलियन पिथिकल्स प्रिमिटिव वुमन, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या होते हैं प्रिमिटिव वुमन होते हैं, जिनके वुमन के सारे क्या प्रेजेंट है, फीचर्स प्रेजेंट हो। इतनी बात समझ लो, अभी तक मैंने क्या क्या कहा वो सुनो, अभी तक हमारी क्या क्या बात हुई, हमने अभी तक क्या क्या बोला वो सुनो, एक तुम्हें यहाँ से दिख रही, हमने अभी तक क्या क्या देखा वो सुनो, हमने क्या क्या देखा अभी तक, सबसे पहले प्राइमेट्स है, ड्रायोपिथेकस आया, ड्रायोपिथेकस के बाद में रामापिथेकस आए, जो ड्रायोपिथेकस थे वो एक के जैसे थे, जो रामापिथेकस थे वो वुमन के जैसे थे,
जो रामा पिथिकस थे उसने क्या बने, ऑस्ट्रेलियो पिथिकस, है ना, मतलब ईस्ट अफ्रीका में और ना पूरा का पूरा काम इथोपिया टाइजीरिया यहाँ पर इसके भी क्या मिले, इसके फॉसिल्स यहाँ मिले या फॉसिल्स मिले। फिर हमने इसके बारे में कुछ पिक्चर्स दिखे, इसमें क्या क्या तुम्हारे वाले बुक में दे रखे पिक्चर्स, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। फिर 2 मिलियन ईयर अगर ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन्स आया, बाइपेडल है, अपराइट है, स्टोन प्रोटेक्शन के लिए काम में लेते थे और क्या खाते थे, फ्रूट खाते थे। इनके कुछ मेंबर मिले जिनको एक को तो क्या बोलते हैं लूशी बोला, एक अलग ही ये सही तो ना कि मैं लूशी हूँ ना, ये सारे नाम फॉसिल्स को देख करके साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लो एक बार, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, वो नोट डाउन कर लो। अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, इसकी हाइट भी फाइनल है, इसकी हाइट लिख लो 4 फीट हाइट बुक में दे रखी है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस या ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स की हाइट कितनी है, 4 फीट हाइट है। मैंने क्या बताया, टूल्स काम में लेते ना केवल प्रोटेक्शन करने के लिए, टूल्स यूज फॉर प्रोटेक्शन, क्यों, क्योंकि ये खाने के लिए काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या खाते हैं हर्बीवोर्स है ना, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस या ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ही क्या कहलाए, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स कहलाए, बात हुई थी ना हमारी। चलो नोट डाउन कर लो फिर आगे बात करो। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस का एक ग्रुप तो क्या है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स, इसके कैरेक्टर्स ये हो गए। दूसरा ग्रुप है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस रोबस्टा, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस रोबस्टा, इसकी अभी जरूरत नहीं क्योंकि ह्यूमन के जैसा कौन दिख रहा था, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स थे जिनको मैंने प्रिमिटिव ह्यूमन बोला है ना, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस रोबस्टा था। ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस में भी कौन आया, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स में एक मैंने कह दिया लूशी और दूसरा मैंने क्या कह दिया जोआन बेडी। चले बात को रख लो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करना चाहूंगा। चलो मतलब ये वाला टॉपिक है ना तो यही से कर लेना पूरा, उसका जितना है उतना ही उतना करवा देती हूँ मैं, एक्स्ट्रा ही बताऊंगी कुछ। चलो इतनी बात हुई है ना, जो सुनो ऑस्ट्रेलियोपिथिकस क्या था, यार देखो दिख रहा है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रीकन्स प्रिमिटिव ह्यूमन है, प्रिमिटिव ह्यूमन है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आगे जाकर के जीनस बनाएंगे जिसका नाम होगा होमो, ठीक है। और हम क्या होमो सेपियंस है तो ये आगे ना अपन एक बार आगे, अब आगे की आगे देखो और कैसे इवोल्यूट हो रहे, यहाँ तक का इवोल्यूशन आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, आगे का इवोल्यूशन देखो। या देखो होमोजीनियस शुरू हो गया, अब होमोजीनियस वाले फर्स्ट ग्रुप वाले आए थे होमो हैबिलिस, हैबिलिस क्या है, होमो हैबिलिस आए, होमो हैबिलिस के क्वेश्चन सुनो तुम लोग ऐसे याद करो, एक ह्यूमन था बड़ा हप्पी हप्पी रहता था होमो हैबिलिस। अब देखो जो हप्पी हप्पी रहेगा उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा मोल नहीं लेता, वो सबके साथ प्रेम से बातें करता है, अच्छे से रहता है, उसको गुस्सा नहीं आता है, मतलब वो हप्पी हप्पी है। तो हप्पी हप्पी से सुनो, पहली बात ये शिकार नहीं करते, हंटिंग नहीं करते, नॉट हंटिंग, नो हंटिंग, किसी का भी शिकार नहीं करते। जब शिकार नहीं करते तो ये क्या खाते हैं, नॉट एट मीट, ये मीट नहीं खाते थे, मतलब ये एट फ्रूट खाते हैं, हर्बीवोर्स है, क्लियर, हर्बीवोर्स होते हैं। फिर आप बात करोगे इनकी माइंड कितना साफ था, तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है 650 से 800 सीसी, ये बात ध्यान रखना तुम्हारी वाली बुक
250 से 800 सीसी, ये बात ध्यान रखियो, तुम्हारी वाली बुक में ये बात दे रखी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें पूछ ले होबो हैवीनेस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, तो तुम लोग क्या ये बता दोगे। दूसरी बात इम्पोर्टेंट याद रखियो, ये फर्स्ट होमोइड है, ये भी बात याद रखियो, जिसमें ह्यूमन लाइफ सारे के सारे फीचर्स आ चुके हैं। ह्यूमन में जितने फीचर्स होने चाहिए वो सभी फीचर्स में दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट होमोइड होमो हैबिलिस है, कोई दिक्कत। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकन्स है ना, इसमें ह्यूमन जीनस आ गया, ह्यूमन जीनस में फर्स्ट स्पीसीज आई होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के कैरेक्टर्स हप्पी नो हैंडी नो इट मी क्रेनियल कैपेसिटी 650 टू 800 सीसी। देन द फर्स्ट होमोइड फीचर्स, पहला जो जिसके अंदर ह्यूमन के क्या दिखाई दे रहे थे, फीचर्स दिखाई दे रहे थे। हाँ एक याद रखो, ये टूल्स बनाते थे, टूल्स लेकर रही लकड़ियों ना हड्डियों से क्या बनाते थे, जो ऑर्गेनिज्म मर गए थे उनकी बोन्स काम में लेते और उनसे टूल्स बना लेते, बट उस टूल्स का यूज सेल्फ डिफेंस के लिए करते थे, ना कि हंटिंग के लिए। तो द टूल्स आर यूज ओनली द सेल्फ डिफेंस, खुद के बचाव के लिए किया जाता था, ना कि किसी को हार्म पहुंचाने के लिए किया जाता था। यहाँ तक का नोट डाउन कर लो, होबो हैबिलिस की भी होबो हैबिलिस के अंदर होबो एरेटस आए थे, होबो हैबिलिस के बाद में क्या आए थे, होमो एरेटस। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो ताकि अपन आगे की बात शुरू कर दे। होमो एरेटस थोड़ा सा हटा भी आ जाएगा सर, आई होप आ जाएगा। होमो हैबिलिस के बाद में आए होमो एरेटस, सेकेंड कैटेगरी है। ये लगभग तुम्हारी वाली बुक में दे रखा है कि ये लगभग कब आए, 1.5 मिलियन ईयर अगो, बट ये याद ना कब आए दिख नहीं रहा है, वो भी इधर लिख दो 1.5 मिलियन ईयर अगो, ये कब आए 1.5 मिलियन ईयर अगो। फिर ईयर भी दे रखे 9, ये इसकी साल दे रखे, ये बुक में देखो ये साल याद रखना है, बुक में दे रखी है एनसीईआरटी बुक में। अब होमो इरेक्टस जो थे ना है तो अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका की कहानी पूरी, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस ऑस्ट्रेलियन अफ्रीका ऑस्ट्रेलियोपिथेकस अफ्रीकन्स होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस कहाँ है, अफ्रीका में है, अफ्रीका में यहाँ तक। अब सुनो, इसके कुछ मेंबर्स निकल करके कुछ चीन की तरफ चले गए, किसके, होमो एरेटस के, होमो एरेटस के कुछ मेंबर चले गए चाइना की तरफ, कुछ मेंबर चले गए जावा की तरफ। तो होमो एरेटस वाले जो ग्रुप है इसको फिर आगे जब ये माइग्रेट कर दी ना यहाँ से, कुछ तो यही रह गए, सारे के सारे नहीं गए, कुछ ही गए हैं और वो भी एक साथ नहीं गए, ज़माने में ना पहुंचे बीच बीच में अपनी टाइम लगाना चाह रहे थे इनको। तो इसीलिए होमो इरेक्टस के अंदर अपन बोल देते जावा उमन, ये बात याद रखो कि जावा उमन किसको कह रहे हो, होमो इरेक्टस को ही बोल रहे हो, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी, ठीक है। देखो तुम सोचो, ड्रायोपिथेकस पूरे के पूरे, रामापिथेकस पेड़ों पे चलते हैं पूरे के पूरे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस दो पैरों पे मतलब पेड़ों से उतरते नीचे आते फिर से घूमते घूमते फिर अपने पेड़ों पे चले जाते, क्योंकि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस फ्रूट्स खाते हैं ना तो प्लांट के पास तो इनको जाना पड़ेगा। तो ड्रायोपिथेकस चार पैर पे चलते थे, रामापिथेकस भी चारों, लेकिन रामापिथेकस केवल पेड़ों पे रहते थे, अबोरियल थे वो, है ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ से छलांग मार के चलते, लेकिन जमीन पे नहीं आते थे वो। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस बाइपेडल थे, तो ऐसे जंप मार के सरफेस पे आते और सरफेस पे चलते, अपना खाना वाना ढूंढते और वापस पेड़ों पे चले जाते थे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की हाइट थोड़ी कम थी, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से होमो हैबिलिस थोड़ी हाइट
बड़ी, फिर से सीधे सीधे खड़े होने लगे ना, तो पूरे के पूरे जमीन पे पड़े थे सीधे। जो होमो इरेक्टस थे उनकी हाइट सबसे लंबी थी इसके अंदर, मतलब आज की जो मॉडर्न वुमेन है उसकी हाइट और होमो इरेक्टस की हाइट लगभग सेम ही मानी जाती है। हाइट ज्यादा थी, जावा वुमन भी बोलते इसको, पैकिंग वुमन भी बोलते हैं, तो पैकिंग वुमन भी इसे बोला जाता है क्योंकि माइग्रेट कर रही थी ना ये बी, क्योंकि जो बीजिंग है ना बीजिंग, उसको बीजिंग को पहले पेक बोला जाता था, तो वहां रहने वाले पेकिंग वाले हो गए और जावा में रहने वाले जावा वाले, तो जावा माना और पेकिंग माना का ओरिजिनेटेड कौन है, होमो इरेक्टस। ओरिजिनेटेड कौन है इसका, होमो इरेक्टस जावा और पेकिंग माना का। फिर देखो होमो इरेक्टस अफ्रीका को छोड़ करके जा रहे हैं, तो फर्स्ट ह्यूमन लाइफ फॉर्म टू लिव अफ्रीका, सारे के सारे में ये कुछ मेंबर, तो फर्स्ट ह्यूमन लाइफ फॉर्म टू लिव अफ्रीका मोर हाइट है, फर्स्ट ह्यूमन लाइफ फॉर्म टू लिव अफ्रीका, टू लिव अफ्रीका, ठीक है। दूसरी बात, ईट में मीट खाते थे, एट मीट, क्या खाते थे, मीट खाते थे। अब सुनो ऐसे कैसे पता चले ये मीट खाते थे, तो इनके जो मान लो फॉसिल्स मिलते हैं उन फॉसिल्स के थ्रू ही जो साइंटिस्ट होते हैं वो एस्टिमेट लगा लेते हैं कि देखो अभी तक होमो हैबिलिस हर्बीवोर्स थे, लेकिन अब ये क्या आ गए कार्निवोर्स। दूसरी बात है ये क्लोनी बना के रहते थे, है ना, होमो इरेक्टस कैसे थे, क्लोनी बना के रहते थे, मतलब केयरिंग कैपेसिटी थी, बच्चे थे उनकी केयर करते थे, जो बूढ़े थे उनकी केयर करते थे, लेकिन साथ साथ में इसमें एक कहानी और खराब थी कि ये केयर भी करते और वुमन ही वुमन को मार देता, ठीक है, एक वुमन ही दूसरे वुमन को खा जाता। केनाबिल्स तो बोलते ना, केनाबिल्स बोलते कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को जैसे स्नेक को खा जाता है वैसे। अब ये कैसे पता चला, तो क्या हुआ कि जैसे बोन्स थी, है ना, कोई एक बोन मिली, उस बोन पे टिक की जो टिक है उसके सिंबल मिलते, मन बोन मिले उस बोन पे निशान किसके मिले, टिक के मिले। फिर जब टिक के जो निशान मिले ना, टिक के जो निशान मिले उनको जब पहचाना गया, उनको डिस्कवर किया गया, है ना, एस्टिमेट किया गया, तब पता चला कि टिक के जो निशान है ये ह्यूमन की ही है, मतलब अपन ओरिजिनेट टोकना शुरू हो गया, मतलब ह्यूमन की है, तो क्या होगा, मतलब ये वाली स्पीसीज इस वाली स्पीसीज अपने आप को क्या कर लेते थे, हारम पहुंचा लेते थे, एक मेंबर दूसरे मेंबर को क्या पहुंचा लेता था, हारम पहुंचा लेता था। तो देखो फेमेली कंट्रोलर में भी रहते, फायर को कंट्रोल कर लेते थे, फायर कंट्रोलर भी थे, मतलब यहाँ तक जंगल में अगर आग लग जाती ना तो ये कुछ नहीं कर पाते थे, शायद खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते थे, लेकिन होमो इरेक्टस वाले फायर कंट्रोलर थे। ये लोग अपना जैसे मीट वगैरह है ना, मीट को खाते, तो मीट को ये कुक करके खाने लगे थे, अपन बोलते ना कि आदि मानव होता था तो उसको पहले खाने पीने कुछ नहीं पता, तो वो कहानी तो है ये होमो हैबिलिस तक यही कहानी चल रही, ना कपड़े पहनने का पता था, ना खाना खाने का पता था, किसी ने कुमारा और खा गए, लेकिन ये फायर कंट्रोलर थे, फूड को अच्छे से पका करके खाने लगे। यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलो, फिर मैं होमो इरेक्टस को ही आगे डिफाइन को ही पूरा रफ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, है ना। अच्छा हाँ, होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी भी दे रखी है 900 cc। होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी ये रही 650 से 800 cc, और होमो इरेक्टस की कितनी है 900 cc। ये बात ध्यान दीजिए, अब बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चलो होमो इरेक्टस, अब मैं जो होमो इरेक्टस है उसी को ये दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, होमो इरेक्टस है या आई विजिबल होमो इरेक्टस
दो। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस नीदर थिंक थिंग्स। होमो सेपियंस या तो लिखो होमो सेपियंस नेदर एन ई ए एन एन ई ए एन, एक बार स्पेलिंग, एक बार मैं स्पेलिंग देख लूँ, एन ई ए एन डी ई आर नीडर थे, है ना, क्या हो गया नीडर थे, होमो सेपियंस नीडर थे बने, अफ्रीका अफ्रीका में बन रहे सबके सब, ध्यान रखना। और एक बना होमो सेपियंस, होमो सेपियन फॉसिल्स, ये बने, ये दो बने होमो इरेक्टस से, ये दो बने होमो सेपियंस नीडर थे, जो होमो सेपियंस नीडर थे उसको नीडर थे मेन, नीडर थे मेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नीडर थे मेल बोला जाता है, होमो सेपियंस को क्रोमो मैग्नम बोला जाता है, क्रोम मैग्नम मैन बोलते हैं, क्रो मैग्नम नीडर थे मैन और क्रो मैग्नम मैन। ये अब ये अपन ये ठीक है, अपन ये नहीं, अब इनकी कहानी सुनो अच्छे खासे ना, बहुत वुमन है, 5 फुट हाइट मान लो, हेल्थी मान लो, जो चौड़े टगड़े थे, इसको नेदर थे क्यों बोला, जर्मनी का एक विलेज है नेदर थे, वहीं पे इसके फॉसिल्स मिले, इसके फॉसिल्स कहाँ मिले, जर्मनी, कहाँ फॉसिल्स मिले, जर्मनी में इसके फॉसिल्स मिले, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी पहली बात। दूसरी, ये ऐसे मेंबर्स थे है ना जो अपने बॉडी को कवर करने लगे, अभी तक बॉडी कवर नहीं हो रही थी, अभी तक जो बॉडी कवर नहीं हो रही थी, बट ये कहते थे अपनी बॉडी को क्या करने लगे थे, कवर करने लगे थे, मतलब बॉडी हाइड, बॉडी हाइड होने लगी थी। अब बॉडी को हाइड करने के लिए प्लांट्स के लीव्स वगैरह भी यूज में ले सकते थे, या फिर जैसे कोई अदर एनिमल्स उसकी डेथ हो गई थी तो उसकी जो स्किन होती थी उससे भी अपनी बॉडी को कवर करने लगे थे। तो याद रखना नेदर थे वाले कौन से आगे थे जो अपनी बॉडी को कवर करने लगे थे। तीसरी बात, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक द मोर क्रेनियल कैपेसिटी किसकी है, होमो सेपियंस नेदर थे की, 1400 सीसी तुम्हारी वाली बुक में यही दे रखी है, सबसे ज्यादा नेदर थे की रखिए 1400 सीसी, हमसे भी ज्यादा, ठीक है सोचो कितने ज्ञानी थे, हमसे भी ज्यादा 1400 सीसी दे रहे तुम एनसीईआरटी कह रही है, जबकि हालांकि इनकी है 1600 सीसी, लेकिन एनसीईआरटी ये नहीं बता रही है इसकी 1600 सीसी कहीं नाम नहीं है, तो एनसीईआरटी तो किसकी दे रही है नेदर थे की। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तुम्हें नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो तुम्हें यही आंसर करना है 1400 सीसी वाला, आई होप ये तो तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं है। इवोल्यूशन का जो टॉपिक है उसके ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, जो मैं तुम्हें एक बात समझा रही हूँ उसी में से ही आएंगे क्वेश्चन, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो जब तुम्हें नीट में क्वेश्चन पूछा जाए मोर क्रेनियल कैपेसिटी नेदर थेल की है 1400 सीसी है, हालांकि इसकी होते पर एनसीईआरटी नहीं मान रही ना ये बात, तो फिर हम भी नहीं मान सकते, और उस समय आंसर पे 1400 सीसी ही माना गया था, तुम लोग ये ध्यान रखोगे। कब मिले थे, 1,40,000 के बीच साल पहले, ईयर अब कब दिखे थे इनके फॉसिल्स, यानी कब बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 1,40,000 साल पहले कौन रहते थे, नेदर थे मैन रहते थे, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी, बॉडी को हाइड करते थे, स्ट्रॉन्ग थे और लिव इन आइस, बर्फ में भी खुद को रख पाते थे,
लिथिन आइस पर बर्फ में भी खुद को रख पाते थे, ठीक है, रियलाइजेशन से धर्म वगैरह को मानते थे, ना धर्म वगैरह को मानने लगे थे। इधर आओ, क्रोमैग्नोमेन होमोसेपियन फॉसिल्स। क्रोमैग्नोमेन ये जो मॉडर्न ह्यूमन है, मतलब होमो सेपियंस सेपियंस, ये हमें होमो सेपियंस सेपियंस, ये अपन मॉडर्न ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। अब होमो सेपियंस सेपियंस है ना, इनसे हालांकि ग्रेडियंट कहते थे ना, ये स्ट्रॉन्ग थे, ये वीक थे ना, दिखने में ये तो बहुत अच्छे थे, बट दिखने में क्रोमैग्नम कैसा था, दिखने में क्रोमैग्नम इसके कंपैरिजन में वीक था, पतला था, हाइट ज्यादा थी, लेकिन इसका दिमाग ज्यादा था ना, 1600 सीसी, इसका 1400 सीसी, लेकिन बुक तो 1400 सीसी मारे, तो इसका दिमाग ज्यादा वेल डेवलप नहीं था क्या, तो इसका माइंड मोर वेल डेवलप था, इसीलिए ये इसको मार देता था, तो ये धीरे धीरे खत्म हो गया, ये इससे झगड़ा करता इसको मार देता था, तो ये धीरे धीरे खत्म हो गया, और ये धीरे धीरे वो लेट करते रहे, मतलब ये स्पीसीज खत्म क्यों हो रही है, मतलब दोनों साथ साथ बने थे ना, दोनों होमो इरेक्टस से दोनों साथ साथ बने, होमो सेपियंस नेदर थे और होमो सेपियंस फॉसिलिस, होमो सेपियंस जो नेदर थे उसको नेदर थे मेल कहते हैं, इसको क्रोमैग्नम मेन कहा जाता है, दोनों साथ साथ ही बने, लेकिन ये तो हम तो आगे जाकर के वो लेट बन गए, बट ये खत्म हो गए, ऐसा क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ कि भले ही ये कमजोर था दिखने में, ये मोर स्ट्रांग था दिखने में, लेकिन इसके पास में दिमाग ज्यादा था, तो अपने दिमाग को यूज में लेकर के ये इसका शिकार कर लेते, इनको मार देते थे और वहां पर खुद रहने लगते थे, जगह कम, जगह धीरे धीरे जगह ज्यादा चाहिए। फिर अपन कहेंगे कि इनके बारे में हमें कैसे पता चला, तो फॉसिल्स मिले थे, कुछ और नॉलेज मिले से प्री हिस्टोरिक के गुफा, मतलब ये शिकार करते थे ना, पिक्चर्स वगैरह जो गुफाएं थी ना, गुफाएं थे, गुफाओं में जाकर के लिखा, तो ऐसे ना इनके से डायग्राम बने हुए थे, ऐसे भाला था, कोई झगड़ रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कुछ हंटिंग किए हुए, कुछ खेती कर रहे, इस टाइप के पिक्चर्स मिले थे, तब पता चला कि हम इन्हीं से इवोल्यूट हुए हैं, प्री हिस्टोरिक के उसमें एग्रीकल्चर खेती करते हुए पिक्चर्स दिखाए गए थे, एग्रीकल्चर मिला था लगभग 10,000 साल पहले की बात है, 10,000 मतलब ये कहा जा रहा है कि 10,000 साल पहले ही एग्रीकल्चर हुआ है, मतलब ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे, तो हम भी हो गए ना, फिर प्री हिस्टोरिक केव्स मिले हैं, कुछ मैंने कहा था ना कि ऐसे चित्र बने हुए हैं, तो अपन आर्ट्स बोल सकते हो उसको, पेंटिंग की हुई मिली है जो 18,000 ईयर अगो की बात हो रही है, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब एक साथ रह रहे थे, फैमिली फैमिली में रह रहे, अब ये भी कैसे पता चला, तो ये भी आज जिस चित्रों से, तो गुफाओं में जो चित्र बने हुए, जैसे मान लीजिए जो गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, जैसे उनकी उनकी जो फीमेल थी वो खाना बना रही है, जो मेल था वो बाहर से काम करता हुआ आ रहा है, उनके पास ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें, तो उसी से पता चलता है इसमें क्या था, सिविलाइजेशन था, तो हमारे सुनो, हम किससे बने, क्रोमैग्नम से बने, क्रोमैग्नम कह दो या होमो सेपियंस फॉसिलिस कह दो, ये था ह्यूमन इवोल्यूशन की कहानी, एक बार मैं पूरी की पूरी रिपीट कर दूँ, है ना, बोर्ड पे पूरी की पूरी रिपीट कर दूँ तुम्हें एक बार, ताकि तुम्हें आसान रहे देखो, अफ्रीका में ये पूरी की पूरी कहानी थी, वहां से ये माइग्रेट हो गए, अलग अलग जगह पे चले गए, क्योंकि कंपटीशन हो जाता ना, वरना तो एक दूसरे को मार देता, देखो सबसे पहले ड्रायोपिथिकस, पिथिकस, साथ ही साथ में रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस कैसे हैं, एक लाइन है, रामापिथिकस कैसे थे, ह्यूमन लाइक थे,
रामा जो पिथिकस है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस बने, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस से बने ऑस्ट्रेलियोपिथिकेन्स बने, जो एक थे अफ्रीकन्स और एक क्या थे रोबेस्टा। ऑस्ट्रेलियो जो पिथिकस थे वो आगे जाकर के होमो स्पीसीज बनाएंगे, होमो हैबिलिस बने। क्या बने? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस से बने होमो एरेटस, होमो एरेटस बने। होमो जो एरेटस है उन्होंने आगे जाकर के बनाया होमो सैपियंस, नीदरलैंड। एक बना होमो सैपियंस फॉसिल्स। होमो सैपियंस जो फॉसिल्स है उसको क्रो मैग्नम मेन बोलते हैं, जिन्होंने आगे जाके बनाया होमो सैपियंस। सैपियंस और होमो सैपियंस, सैपियंस क्या है? ह्यूमन, मॉडर्न ह्यूमन। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी याद होगी 650 से 800 सीसी। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है 900 सीसी। नीदरलैंड की क्रेनियल कैपेसिटी है 1400 सीसी। बुक में तो बस इतनी दे रखी है। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस की याद करो तो 500 सीसी। और कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ये पूरा चाल है। अगला देखो, ये जो मॉडर्न देखो सबकी स्पीसीज बनती आई है ना, ब्रायोपिथिकस ह्यूमन के जैसा, रामापिथिकस है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस के दो पार्ट बना दिए है ना, और ऐसे ऐसे इनके और भी है, लेकिन मैंने तुम्हें केवल एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बताया जो तुम्हारे नीट के लिए जरूरी है। ऐसे तो सीरियोपिथिकस बने थे है ना अलग अलग जगह पे, जो तो अलग अलग नाम हो गए थे, पर तुम्हें इतना ही देखना, ज्यादा नहीं देखना, इतने भी काम हो जाएगा। अब सुनो, सबकी स्पीसीज होती है बट ह्यूमन की तो स्पीसीज नहीं होती, नहीं होती ना। कभी सुना है ह्यूमन की स्पीसीज कर लो तुम लोग? नहीं सुनते। हाँ तो ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसीलिए नहीं होता कि हम भाई अफ्रीका से निकल के अलग अलग जगह पे गए, लेकिन कुछ लोग तो वहीं रह गए, कुछ लोग तो वहीं रह गए, कभी ना कभी वो आपस में एक दूसरे से मैटिंग करने के लिए, मैटिंग तो हो सकती है ना। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि मोर चांसेस राजस्थान की, राजस्थान में मैटिंग के मोर चांसेस, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि मध्य प्रदेश वालों से मैटिंग नहीं हो सकती, इंडिया के इंडिया में मैटिंग हो सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि अमेरिका वालों से मैटिंग नहीं हो सकती। तो जीन ट्रांसफर तो हो ही रहा है, तो जीन ट्रांसफर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू क्रिएट द सेम स्पीसीज। तो बात सुनो मेरी, हमारी ह्यूमन की स्पीसीज एक ही है, लेकिन रेसेस जरूर है। ह्यूमन स्पीसीज तो एक ही है बट क्या है? रेसेस। रेसेस कैसे? जैसे मान लो अफ्रीका में रहने वाले लोग और अपने इंडिया के लोग डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कलर में डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है, बिहेव में डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है, बिहेव में डिफरेंस है, न्यूट्रिशन में डिफरेंस है। तो अपन इसका मतलब ये ना कि स्पीसीज ही चेंज हो गई। स्पीसीज तो वही है बट क्या चेंज हो गया? रेसेस। तो ह्यूमन रेसेस के नाम लिख लो कुछ। ह्यूमन रेसेस, रेसेस तुम्हें क्या बोलोगे? मतलब जो एक स्पीसीज जो आपस में मेटिंग कर सके बट उसकी बिहेवियर कल्चर है ना इसमें डिफरेंस हो, वो रेसेस हो गई। जैसे ह्यूमन की रेसेस सुनो, नेग्रोइड, नेग्रोइड रेसेस, ऑस्ट्रेलियोइड, कौन केसोइड्स और मेगालोइड। ये ह्यूमन की रेसेस है। तो नेग्रोइड, ऑस्ट्रेलोइड, कॉन्सकोइड्स, मेगालोइड्स, क्या
15 मिलियन ईयर अगो एक प्राइमेट्स बना जिसका नाम ड्रायोपिथीकस था, जो वुमन के जैसा था, चिंपांजी गोरिल्ला के जैसा था। उससे रामापिथीकस जो वुमन के जैसा था, रामापिथीकस से बने ऑस्ट्रेलियोपिथीकस 2 मिलियन ईयर अगो। ऑस्ट्रेलियोपिथीकस की हाइट 4 फीट थी, बाइपेडल थे और टूल्स यूज में लेते थे लेकिन शिकार नहीं करते थे, फ्रूट्स वगैरह खाते थे। 500 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी। ऑस्ट्रेलियोपिथीकस जो अफ्रीकन थे ना, कब आए थे? 2 मिलियन ईयर अगो आए थे, मैं बात नहीं रखी इसीलिए मैं बता रहा। दूसरी बात, जो ऑस्ट्रेलियोपिथीकस थे वो ईस्ट अफ्रीका की ग्रासलैंड पे क्यों सीधे खड़े हो गए ना, ऐसे सीधे ग्रास था उसके चारों तरफ, ऐसे मान लीजिए जैसे इतनी बड़ी बड़ी ग्रास है, तो मेरे पास फिर मैं ऐसे करके करके देख सकूँ कि चारों तरफ कहाँ है। तो ईस्ट अफ्रीका की ग्रासलैंड में थे ऑस्ट्रेलियोपिथीकस। ऑस्ट्रेलियोपिथीकस थे उससे होमो हैबिलिस आए। होमो हैबिलिस का तुम्हें क्या क्या ध्यान में रखना है, 1600 ये इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। जो होमो हैबिलिस थे होमो हैबिलिस थे वो बाइपेडल थे, मीट नहीं खाते थे होमो हैबिलिस वाले, टूल्स मेकर थे, टूल्स बनाते थे लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को हार्म नहीं पहुंचाते थे। होमो इरेक्टस आए, मीट खाते थे, 900 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी थी इनकी, ठीक है। और ये जावा और पेकिंग है ना, जावा 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 और पेकिंग वुमन है, मतलब अलग अलग जगह है, बिल्कुल अलग अलग नाम दे दिया। होमो इरेक्टस अफ्रीका से, कुछ अफ्रीका में रह गए कुछ अफ्रीका। अब जो अफ्रीका में रहे ना, जो अफ्रीका में रहे उन्होंने एक तो बनाया होमो सैपियंस, क्या बनाया होमो सैपियंस नेदरथेल बनाया, एक होमो सैपियंस फॉलेसिस बने ईस्ट अफ्रीका के अंदर ही। फिर क्या हुआ, नेदरथेल वाले थे 1400 सीसी थे, बॉडी को हाई करके रखते थे, आइसबर्ग में भी रहते थे, है ना, रिलाइजेशन थे, धार्मिक थे। जो क्रोमैग्नन फॉसिल्स कहलाए, क्रोमैग्नन फॉसिल्स बने आप, क्रोमैग्नन जो फॉसिल्स थे वो मॉडर्न वुमन है। बात समझ में आती, मॉडर्न वुमन के अपन को क्या मिले, कुछ सिंबल्स मिले, जैसे प्री स्टोरी कैंप्स मिले जहाँ पे पिक्चर्स बने हुए शिकार करते हुए, बच्चों को कैरिंग करते हुए, कोई खेती करता हुआ, ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं, तो उसको देख करके अपने कहा कि ऐसा ऐसा कुछ है और उसी की बात हो रही है। तो कुछ डाटास है, जैसे 18,000 साल पहले आर्ट्स चित्रकला आई थी ऐसे बोला जाता है, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर आया था कि लोग अपना खाना वाना खुद बनाते थे, उगाते थे और खा लेते थे। इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत? ये कुछ रेसे का बुक्स में तो नहीं दे रखे, बट ये मैंने लिखवा दिए, याद हो तो कर लेना, आई होप यहीं तक का काम हो जाएगा। होमो हैबिलिस को फर्स्ट होमोइड पिक्चर्स वाला बोलते हैं, फर्स्ट होमोइड पिक्चर्स वाला बोलते हैं। सुनो, यहाँ तक इवोल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक वीडियो के अंदर उसके जितने भी डायग्राम्स तो दे रखे वो भी समझा दिए, कोई एक दो डायग्राम बचा होगा तो मैं समझा दूंगी तुम लोगों को। जैसे देखो ट्री ऑफ द डायनासोर वाला हमारा हो गया, मैंने तुम लोगों को जियोलॉजिकल टाइम पीरियड वाली बात समझा दी, कुछ एक दो का डायग्राम रह गए होंगे तो मैं वो फिर वीडियो बना दूंगी, तो अच्छे से कर लेना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियो देख लेना और बुक की रीडिंग कर लेना। ओके।